ज्योतिषाचार्य जी, बुद्ध पूर्णिमा किस तारीख को और उस दिन क्या करने से जो आर्थिक स्थिति है लोगों की सुधर सकती है, माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा जो पढ़ रहा है ना 23 तारीख को, तो ये गुरुवार को जो पढ़ ही रहा है और विशाखा नक्षत्र से जुड़ा हुआ भी है, तो गुरुवार को पढ़ रहा है, इसलिए सर्व पापक क्षय, सर्व आदि सब पापों से क्षय के लिए, क्योंकि ये अक्षय महीना चल रहा है, तो सब पापों के क्षय के लिए और जो है सो प्रातः 9 बजे से पहले जैसे विशाखा नक्षत्र है मैं उसके 10 मिनट तक अगर आप कुछ दान करते हैं तो क्या दान कर पाएंगे? छत्रम मतलब छाता, पूर्ण कुंभम दद्यात, पूर्ण कुंभ मतलब जल से भरा हुआ घड़ा, या व्यजनकम पंखा जिसको बोलते हैं ताल का पंखा, या सक्तम सत्तू आदि जो होता है, जौ का होता है, बेसन ये चना का होता है, और गुड़ आदि, ये सब तरबूज फल वगैरह, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप दान करते हैं किसी मंदिर में जाकर किसी भी जरूरतमंद को, तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलता है इसमें, क्योंकि ये दिन दान के लिए ही माना गया है। स्नानादो दान पुण्य तमा व्रतम, तो व्रत का दिन पूर्णिमा का अलग होता है, स्नान दान आदि के लिए अलग, जो हाँ प्रातः काल जिस दिन पूर्णिमा को पढ़ता है तो वो पढ़ रहा है 23 तारीख को गुरुवार को, जिन पूर्णिमा भी माना जाता है, वैशाख पूर्णिमा भी है, वैशाख पुनीत मास माना गया है, पावन मास माना गया है, और उसका पूर्णिमा का विशाखा नक्षत्र से युक्त होना, उस दिन सर्व पापक क्षय निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्ति के लिए या अपने कल्याण के लिए लोग दान करें, प्रातः काल ही करने का विधान किया गया है, प्रातः काल गंगा स्नान करें, नहीं तो घर में ही जहाँ हैं वहाँ स्नान करके प्रातः काल ही सब चीज़ को दान कर लें, 9 बजे से पहले करें ज़्यादा अच्छा, नहीं तो दोपहर 1 बजे से पहले जरूर ही कर लें, इसमें बहुत सारा पुण्य बतलाया गया है, वैशाख पूर्णिमा बहुत पुनीत पूर्णिमा माना गया है, वर्ष में तो 12 पूर्णिमा होते हैं, लेकिन उसमें वैशाख पूर्णिमा बहुत शुभ माना गया है, मानसा शुरू में पाप छाए के लिए उन्हें जरूर कुछ न कुछ दान करना चाहिए और गंगा स्नान करना चाहिए, और गरीबों को कुछ न कुछ जरूरत है, इससे आपको आपका कल्याण होगा और आपका सब पाप छाए मतलब पाप का कमी होता है, ऐसा शासन में मानता है।